बदलते दौर में जहां बाजार चाइनीज सामान से भरे पड़े हैं, वहीं दशकों से विरासत में मिले हुनर को हमीरपुर के बजूरी गांव के कुम्हार परिवार आज भी संजोकर रखे हुए हैं। यही कारण है कि दिवाली त्योहार के नजदीक कुम्हार परिवार के लोग मिट्टी के दियों को बनाने के लिए जुट जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुनाफा मिल सके। बजूरी गांव के धर्मपाल और जोगी राम का परिवार दियों को सदियों पुराने तरीके से बनाते हैं, जिसकी डिमांड बाजार में बहुत होती है। हालांकि सरकार की नजर इनायत ना होने से कला लुप्त होने की कगार पर है। शहर के साथ सटे गांव बजूरी के निवासी धर्म सिंह और जोगी राम अपने बुजुर्गों से विरासत में मिले हुनर को खोना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि दिवाली त्योहार के नजदीक हर साल हजारों की तादाद में मिट्टी के दिए बनाने के लिए पूरा परिवार सहयोग करता है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि बाजार में चाइनीज सामान आने से काम बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज भी मिट्टी के दिए में ही दिवाली की रात को दिए जलाते हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है और दिए बनाने में जुटे हमीरपुरी गांव के धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। धर्मपाल जी, बताएंगे आप भी कब से दीपों को बनाने का काम कर रहे हैं? कुछ हिसाब से काम कर रहा हूँ। दीप कब कितनी मुश्किलें आती है, कैसे करता है काम? मुश्किलें अच्छी है, लेकिन जो चाइना का माल आता है उससे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाइना का माल बंद होना चाहिए, हमारा काम बहुत बढ़िया चल सकता है। कोई सरकार से भी आपको? सरकार से हमारे लिए कोई सहयोग नहीं है, ना कोई मिट्टी का ना कोई बालन का। हम चाहते हैं कि कुम्हारों के लिए अलग सा मिट्टी का प्रावधान किया जाए जो कुम्हारों के लिए हो और बालन के लिए भी होना चाहिए। हर सीजन में एक दो दरख्त मिलना चाहिए। तो इस बार कितनी उम्मीद है दीपावली नजदीक, आपको कैसा रहेगा आपका व्यवसाय? हमारा ठीक चल रहा है और ठीक चलेगा, लेकिन चाइना का माल बंद होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली क्यों शुभ मानते हैं आप इसमें दीपे दिए जलाने? जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट गए थे, लोगों ने खुशी से दीप के दिए जलाए थे और जब से ये प्रथा चली है और दीप के दिए ही शुद्ध माने जाते हैं, मोमबत्ती वगैरह कोई अच्छी नहीं है। अब लोगों की कैसी डिमांड रहती है आपके लिए? बहुत बढ़िया डिमांड है और हमारा माल बहुत लगता है इस सीजन में। तो ये थे बजूरी गांव के धर्मपाल सिंह, जो कि दीयों को बनाने के काम में जुड़े हैं क्योंकि दीपावली नज़दीक है। लेकिन उन्हें एक मलाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चाइना माल को मार के बहिष्कार करने का जो निर्णय लिया है, उसके बावजूद भी बाजारों में चाइना का माल बिक रहा है, जिसकी वजह से इनके कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। 96 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि बचपन से ही दिए बनाने के लिए पूरा परिवार काम करता आया है, लेकिन आज के समय में काफी समस्याएं पेश आ रही हैं, जिससे काम करना मुश्किल बन रहा है। बड़ी शुभ होती दिहाड़ी, शुभ होती है एक मारेंगे बाद में शुभ होते याद हाँ, एक खादड़ा बार दे, कोई बठिया बार दे, इस मजोर नहीं होंगी। ये होंगी एक परोत आया है ना, परोत तो अपनी नूहों का धीया का बर्त मोखना हा, फिर बोले खिलालो खिलालो ना मेरा है तुम जो करो जे, मतलब पंडित जी भाई नखा कर रहा हाँ तो भाई बना बना दे तो पंडित तो हम तक बोला है तू जो तक करूँगा था, फिर नहीं होंगे खादड़ा में वो लोग सूत नहीं एक वही आईपीएच विभाग से बतौर जूनियर असिस्टेंट रिटायर्ड होने के बाद भी जोगी राम ने विरासत में मिले काम को नहीं छोड़ा और आज भी दिवाली के नजदीक मिट्टी के दिए बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जोगी राम ने बताया कि मिट्टी के दिए बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे परेशानी आती है। साथ ही सरकार भी इस व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देने से व्यवसाय लुप्त होता जा रहा है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और दिवाली की रात को सजावट के लिए दियों को लेकर यहाँ पे हमीरपुर के बजूरी गांव में जोगी राम जी दिन रात जुटे हुए हैं। हमारे साथ बजूरी गांव में जोगी राम जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसी तैयारी की है इस बार दिवाली के लिए। आप बताएंगे जी, दीपावली नज़दीक है, आप दिए बना रहे हैं, कैसे कैसे इनको तैयार किया जाता है? इनको तो बड़ी मतौली से होता है, ये मिट्टी, एक तो मिट्टी नहीं मिलती है यहाँ इनको बनाने के लिए, बर्तनों के लिए। बजूरी गांव में तो बिल्कुल मिट्टी नहीं है, दूर से मिट्टी लानी पड़ती है तब बनाते हैं इसको। और बालन नहीं मिलता है तो लोगों से चल गोबर के उपले वगैरह लेते हैं, मोल लेते हैं, फिर इसको रात दिन
करते हैं हम काम, पूरा परिवार जुड़ जाता है इस काम के लिए। आप बताएंगे कितने दिन पहले दीपावली से इसको बनाने के लिए लग दे रहे? दीपावली से पहले लगभग दो महीने पहले शुरू करते हैं इस काम को। हाँ जी, आप बताएंगे क्यों शुभ माना जाता है अपने घर के आपके जैसे दिए हैं इनको दीपावली के दिन जलाने से? शुभ तो इसलिए होते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में पधारे थे तो लोगों ने घी के मिट्टी के बने हुए घी के दिए जलाकर श्री राम भगवान जी का स्वागत किया था, इसलिए इनको शुभ माना जाता है। तो मिट्टी के दिए जो हैं सबसे शुभ माने जाते हैं। आज के समय में बाजार में चाइनीज माल भी आ रहा है तो इससे कितना प्रभावित हुआ आपका काम? चाइनीज माल तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमें बहुत मतलब प्रभाव पड़ रहा है इसका। वो माल बिल्कुल बंद होना चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड, लोगों की भी डिमांड यही है कि मिट्टी के दीवे जो हैं वो अच्छे होते हैं तो मिट्टी का ही यूज करनी चाहिए। कोई सरकार से डिमांड करना चाहेंगे आप? सरकार से हमें कोई डिमांड नहीं मिलती है इसमें, सरकार की डिमांड तो हमें कोई सहयोग नहीं है, गवर्नमेंट हमें कोई सहयोग नहीं दे रही है इसके बारे में। ना कोई मिट्टी का इंतजाम है, ना कोई किसी चाक का, चल गरीब आदमी हो तो उसको चाक की मुफ्त में दे दिया, कोई सरकार की तरफ से सहयोग नहीं है हमें। तो ये थे हमारे साथ पजूरी गांव के जोगी राम जी, जो कि आईपीएच विभाग से जूनियर असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और दिवाली के नज़दीक दीवों को बनाने के काम में जुटे हुए हैं। इनके मन में सिर्फ एक ही मलाल है कि एक तो चाइनीज सामान जो दिवाली के नज़दीक बाजारों में आ रहा है उससे इनका कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और दूसरा इस दीवों को बनाने के लिए इनको सामान उपलब्ध समय पर नहीं हो पाता है।